हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश अनुसार महात्मा गांधी का जो सपना था हमारा देश स्वच्छ रहे और साफ रहे, इसी सपने को साकार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 1 अक्टूबर के दिन विशेष दिवस के रूप में यहाँ पर श्रमदान का अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। और ऐसे में स्वच्छता ही सेवा ये अभियान का नाम दिया गया है और इसमें 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी जगह दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे मंत्रालय ने सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनको आदेश दिए हैं कि हर स्टेशन पर एक श्रमदान का प्रोग्राम रखा जाए। तो ऐसे में हमारे स्टेशन पर भी दोस्तों यहाँ पर श्रमदान का प्रोग्राम रखा गया है। अभी देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को और यहाँ पर देखिए सिर्फ अभी जो हैं हम सिर्फ स्टेशन का स्टाफ है। और देखिए, जब कोई आप समाज में कोई परिवर्तन लाते हैं, जब कोई नया काम करते हैं, तो शुरुआत में लोग आपको देखते हैं, फिर आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन जब वो अच्छा काम करते हैं आप, तो अपने आप वो आपका कोऑपरेट करते हैं। या देखिए, यह हमारे SM सर हैं, नाइट ड्यूटी करने के बावजूद इतनी एनर्जी के साथ यहाँ पर अपनी ड्यूटी बेखूबी निभा रहे हैं, श्रमदान में पूरा यहाँ पर योगदान कर रहे हैं। और देखिए, धीरे धीरे जो लोग हैं, यहाँ के लोग हमसे जुड़ना प्रारंभ हो गए हैं और पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं जितना भी हो सकते हैं। और till I get up, time is barely on our side. और हमारे कार्य से प्रभावित होकर यहाँ पर देखिए, एक पास में एक भाई साहब थे जो अपना ट्रैक्टर लेके भी आ चुके हैं, निस्वार्थ भाव से फ्री में ये सेवा करने के लिए आए हैं। और ये हमारे सर नाइट ड्यूटी करने के बावजूद भी देखिए कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। और ये हमारे स्टेशन के SS सर बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए। कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जूस की थैली है, उसमें सड़क पर नहीं देखनी, अपने कॉलोनी में नहीं देखनी, ठीक है, डर डर भी जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप बच्चों का जोश देख सकते हैं, बच्चे भी हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कितने छोटे हैं, कितना बड़ा है, बड़े हैं और कितना सहयोग आप कर रहे हैं, बस आपका एक छोटा सा स्टेप पूरे देश को स्वच्छ बना सकता है। और इसी मुहिम को यहाँ पर जो है स्टार्ट किया है रेलवे ने भी, और साथ में पूरे भारतवर्ष में ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर रही हैं। अब देखिए, लोग जो हैं धीरे धीरे और हमसे यहाँ पर जुड़े हैं और काफ़ी एरिया हमने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। अभी देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कचरा फैलने से रोकना। अगर हम कचरा फैलाएंगे नहीं तो सीधी सी बात है, कचरा हमको दिखेगा ही नहीं, कचरा उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ऐसे में आप जो है ये निश्चय कीजिए कि हम अनावश्यक कचरा नहीं फैलाएंगे, हम हमारी धरती माँ को संरक्षित और साफ रखेंगे। क्योंकि अगर ये धरा नहीं रही, ये धरती नहीं रही, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। बस इसी विचार के साथ आज के इस व्लॉग को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।